बेटी और दामाद ने फर्जी कागजात पर फर्जी गवाहों के जरिए विधवा मां की संपत्ति अपने नाम करा लिया है। मदद और न्याय के लिए दर दर भटक रही विधवा मां ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने के लिए धमकी दी है। गुलरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी स्वर्गीय भूखल मिश्रा की पत्नी राधिका मिश्रा की बेटी निर्मला और दामाद वीरेंद्र ने फर्जी वसीयत नामा तैयार कर तहसीलदार और लेखपाल की मिली भगत से उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम करा लिया है। इस संबंध में विधवा मां न्याय की आस में अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। मिश्र जी के मोहल्ले के 10 साल के बाद वारिसनामा कराया, निर्मला का हमारा नाम कराया और उसके बाद उखमर नौकर चाकर से गाड़ी दिलाने लगे और घर द्वार सब बांट दिए, इधर उधर घर में सबको निकाल दिए। हम कहाँ जा, 5,000 रुपया हमारा दवा में लगता है, तबीयत हमेशा खराब रहता है उलझन में, हम कहाँ जा, घर से निकाल दिए, लेकिन के मोबाइल बंद कर दिए, हमके परिवार से बाई काट कर दिए। कौन लोग हैं इनकी लड़कियाँ? लड़की दामाद है। क्या नाम है दामाद का? दामाद के वीरेंद्र तिवारी। फर्जी जो साहेब तहसीलदार साहब ने पैसा लगा के कर दिए और हमारे जाने पर भाग रहे हैं। हम जो हमारे नहीं होगा हमारा नाम तो हम जा करके उनके कम जर के मर जाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे।